क्या तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी, लेकिन क्या अधूरा रह जाएगा ख्वाब कांग्रेस का, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों और सभी शहरों और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में, देश की जनता इस बार किसे चुनने जा रही है, आइए जानते हैं एक एक करके देश भर की सभी तमाम बड़ी खबरें, सभी ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन न्यूज और टुडे ओपिनियन पोल के बारे में। तो क्या कहती है भारत की जनता, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े और ओपिनियन पोल में क्या कहते हैं संपूर्ण भारत की जनता का मूड, क्या माहौल चल रहा है, आइए जानते हैं। इससे पहले आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से 2 पर एनडीए, केरल की 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा हो सकता है, 10 लोकसभा सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट आती है, 39 में से 16 लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि बीजेपी इंडिया गठबंधन खाते में 19 लोकसभा सीट आ सकती है, अन्य पार्टी खाते में 4 लोकसभा 60 जाती हुई नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की, ओडिशा राज्य में 10 पर एनडीए, 9 पर अदर यानी कि बीजेडी, 2 पर इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा राज्य में 10 पर एनडीए, 9 पर अन्य पार्टियां, 2 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट आती है और 25 लोकसभा सीट में से वाईएसआर कांग्रेस को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें और एनडीए को यहाँ पर 15 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 105 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल है यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। 43 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 31 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यानी कि अन्य पार्टियों के ऊपर 31 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य की, 2 लोकसभा सीट है, 2 में से किसे अपने साथ लेने जा रही है। जी दोस्तों, गोवा की जनता यहाँ पर दोनों ही सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में देता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गोवा में पसंद किया जा रहा है। गोवा में यहाँ पर दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 45 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें, अदर पार्टी खाते में 31 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। आइए बात कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी और यहाँ पर कुछ अलग ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, 2 लोकसभा सीट के साथ जेडीएस और 5 लोकसभा सीट के साथ मात्र 5 सीट से सिमट पर रहेगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की 28 में से 21 पर एनडीए, 5 पर इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट आती है, 17 में से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 10 लोकसभा सीटें, 6 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां, 1 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन। आइए बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की, 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर इंडिया गठबंधन। लोकसभा की 543 सीटों में से 154 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 38, 39 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं मिजोरम की, मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मात्र 0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की, नागालैंड की 1 ही लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपना दमखम दिखा सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। यहाँ पर 543 सीटों में से
160 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में जा सकती है 83 सीटें, 38 सीटों पर यूपी यानी कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर बढ़त मिल सकती है 39 सीटों पर, अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। दो लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से सभी 14 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी खाते में सभी 14 सीटें जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं 99 सीटों के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 38, अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन। यूपीए खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 सीट। एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है। बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं सिक्किम राज्य में। और यहां पर बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है यानी कि नरेंद्र मोदी यहां पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए यहां पर बढ़त बना सकते हैं, अदर पार्टी खाते में 0, इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 सीट। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ एनडीए यहां पर बाजी मारता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं एनडीए खाते में 105 सीटें 38 सीटों के साथ, इंडिया गठबंधन 39 सीटों के साथ, अदर पार्टियां पर काबिज होती नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट के साथ है एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी यहां पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की जिया दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता बनर्जी यहां पर क्या रहेगा उसका आंकड़ा तो 42 लोकसभा सीट में से नरेंद्र मोदी खाते में 21 लोकसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बाकी सभी 21 लोकसभा सीट पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहां पर अपना दमखम दिखा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 225 लोकसभा सीट का सटीक है ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं 127 सीटों के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीटें जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। जी हां दोस्तों, देश की सबसे ज्यादा सीटों वाले सेकंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ है एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती है और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा सताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 273 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं एनडीए खाते में 172 सीटें 41 सीटों के साथ है। इंडिया गठबंधन अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीटें जाने की संभावना सताई जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा हाल? जी हां दोस्तों, हाल ही में चुनाव हुए हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बने हैं। क्या नरेंद्र मोदी को यहां पर भी प्रचंड बहुमत मिलेगा? जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है और सरकार बनाने के साथ ही यहां पर ओपिनियन पोल किया गया है। इन ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी कि एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती है, मात्र 1 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और एनडीए खाते में 182 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 42 सीटें 60 सीटों पर, अदर पार्टी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में किसकी जीत होने जा रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आइए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। 25 लोकसभा सीट है, 25 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हां दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए हैं और राजस्थान में भजनलाल सीएम बने हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इनमें से क्या 2024 के चुनाव में भी राजस्थान ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देगा? जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से सभी 25 लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता देगी राजस्थान में सभी की 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है, अदर पार्टी को भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। और बात कर लेते हैं गुजरात की। जी हां दोस्तों, गुजरात में 6
26 लोकसभा सीट आती है, 26 में से किसे कितनी सीट मिलेगी, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारेगा या फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने गृह राज्य में अपना दमखम दिखवा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट आती है, 26 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को सभी 26 की 26 सीटों पर क्लीन स्वीप मिल सकता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साहब यानी कि आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट पर अटकती पटकती नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी सुपड़ा साहब हो सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आइए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, गुजरात के बाद आता है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट आती है, 14 में से यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 13 लोकसभा सीट मिल सकती है। एक लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 349 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 246 लोकसभा सीट जा सकती है और इंडिया गठबंधन खाते में 43 सीटें, अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा सताई जा रही है। आइए दोस्तों यार बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम रहे हैं और यहां पर 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वापसी की है। फिर से वापसी करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से यानी कि लोकसभा की यानी कि सांसदों की 29 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कब्जा मिल सकता है। 4 लोकसभा सीट के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन अपना दावा पेश कर सकता है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 40 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर है 30 पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। राहुल गांधी को यहाँ पर 10 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल और एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी 301 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। 57 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। जिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा माहौल, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आती है, 80 में से 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट और यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 10 लोकसभा सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 371 सीटों के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 57 सीटें, अदर पार्टी खाते में 70 लोकसभा सीट जाने की संभावना इस तरह जा रही है। हरियाणा राज्य की। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 पर ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर एनडीए खाते में 8 सीटें जाने की संभावना इस तरह जा रही है और इंडिया गठबंधन खाते में मात्र 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना इस तरह जा रही है। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट और सातों लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 515 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 386 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 59 सीटें, अदर पार्टी खाते में 70 लोकसभा सीटें जाने की संभावना इस तरह जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। 13 लोकसभा सीटें, 13 में से 5 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन, 6 पर आम आदमी पार्टी पर काबिज हो सकती है। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट है, 5 में से यहां पर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को सभी 5ों की 5ों सीटों पर क्लीन स्वीप मिल सकता है। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। 4 लोकसभा सीटों, 4ों की 4ों लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 सीट। जी हां दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 537 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन सटीक ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 400 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। 61 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 76 लोकसभा सीट जाने की संभावना इस तरह जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीट है, 6 में से एंड
एनडीए के खाते में 3 है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 403 पर एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 63, अदर पार्टी के खाते में 77 लोकसभा सीट जाने की संभावना स्थाई जा रही है। दोस्तों